सलमान के भाई सोहेल ने ऐश्वर्या बच्चन के लिए कही थी ऐसी बात की सुनकर। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच कभी प्यार था, लेकिन वो रिश्ता कब का टूट चुका है और दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। लेकिन सलमान खान के भाई सोहेल ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसा कहा था कि आपको यकीन ही नहीं होगा। सलमान और ऐश ने करीब 19 साल पहले हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया था। फिर दोनों को प्यार हुआ, लेकिन 3 साल के भीतर ही अलगाव भी हो गया। ऐश ने एक इंटरव्यू में सलमान खान के अल्कोहलिक मिसबिहेवियर का जिक्र किया था और ये भी बताया था कि कैसे सलमान खान उनके साथ गाली गलौज चोर मारपीट करते थे। अपने आत्मसम्मान को देखते हुए उन्होंने सलमान से दूर होने का फैसला किया था। सलमान खान के भाई सोहेल ने तब एक बातचीत में उस इंटरव्यू का जिक्र करते हुए ऐश पर पलटवार किया था। सोहेल ने कहा कि अब वो सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कह रही हैं। जब वो सलमान के साथ घूमती फिरती थी, जब वो हमारे घर पर आती थी, तब क्या उन्होंने रिलेशनशिप को स्वीकार किया था? सोहेल ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। सोहेल खान ने कहा कि ऐश ने ही सलमान को असुरक्षित कर दिया था। सलमान खान ये जानना चाहते थे कि वो उन्हें कितना चाहती हैं, लेकिन वो इस सलमान को लेकर उलझी हुई थीं। ऐश्वर्या द्वारा लगाए मारपीट के आरोप पर सलमान ने तब मिडडे को दिए इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा था कि मैंने कभी भी ऐश्वर्या के साथ मारपीट नहीं की थी। मुझे कोई भी पीट सकता है। जब मैं काफी इमोशनल हो जाता हूँ, उस वक्त मैं खुद को चोट पहुँचाता हूँ। मैंने दीवार में सिर पटका था। मैं किसी दूसरे को चोट नहीं पहुँचा सकता। मैंने सिर्फ सुभाष घई पर हाथ उठाया था। उनसे भी मैंने अगले दिन माफी मांग ली थी। पिछले दिनों मुंबई में एक बातचीत में ऐश ने कहा था कि ये जानकर अच्छा लग रहा है कि मीडिया सजग है और इस समय महिलाओं की आवाज को सही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब कानून को अपना काम करना है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा कि इस मुद्दे पर वो हमेशा बोलती आई है, पहले ही बोला है, आज भी बोल रही है और हमेशा बोलती रहेंगी। ऐश ने कहा कि यौन प्रताड़ना बॉलीवुड के लिए कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इसकी गंभीरता को समझा जा रहा है। कानून के प्रति जागरूकता और सोशल मीडिया की सजगता के चलते ये संभव हुआ है। हरासमेंट के एक मामले की ऐश्वर्या राय भी शिकार हो चुकी हैं, जब साल 2002 में उन्होंने सलमान खान के खिलाफ आवाज उठाई थी। ऐश और सलमान के बीच अफेयर था और बाद में दोनों अलग हो गए। उस दौरान ऐश्वर्या ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें सलमान पर आरोप था कि उन्होंने ऐश को फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया। उन्होंने तब सलमान खान के साथ किसी भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। हालांकि सलमान खान ने उनके ऊपर लगाए गए सभी तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साल 2007 में जब ऐश ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली, उसके बाद ये मामला खत्म माना गया।